हेलो और मैंने भी दीपिका, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों हमारे एक्सपर्ट्स आ गए हमारे साथ में, जिमी एंड केनी। स्वागत है आप दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। हम आज डिस्कस करेंगे आने वाली जो फिल्में हैं जी, तीन फिल्में, बड़ी फिल्में, बड़ी फिल्में। 11 तारीख को आने वाली बच्चन साहब की ऊंचाई, ऊंचाई, उसके बाद में अजय देवगन की दृश्यम, दृश्यम, और उसके बाद भेड़िया, भेड़िया। शुरुआत करेंगे आज हमारे कंट्रोवर्शियल एक्सपर्ट केनी के साथ। सबसे पहले है ऊंचाई। ऊंचाई फिल्म अमिताभ बच्चन है, अनुपम खेर है, बोमन ईरानी है और डेनी डेंजोपा जी, और परिणीति भी है। हाँ वो भी है, सारिका भी है, नीना गुप्ता भी है जी। फोर ओल्ड मैन जी, चार बुड्ढे हैं जी, और एक कोई उनका ओल्ड मैन जो है, दोस्त जो है उनका, उसका सपना है कि माउंट एवरेस्ट पे जाके एक बार जाना है, चारों को लेके जाना चाहता है, लेकिन वो यूनियन होता है तो फिर उसको कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह की स्टोरी है जो मतलब ट्रेलर में रिवील हो रहा है। ओके, उनकी अस्थियां मतलब वो लोग चारों दोस्त मतलब तीनों दोस्त चाहते हैं कि डेनी डेंजोपा की अस्थियां, उनकी जो आखिरी इच्छा थी एवरेस्ट चढ़ना है, तो वहाँ जाके अस्थियों का विसर्जन करते। तो उस जद्दोजहद में उनके साथ क्या क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली ऊंचा। सूरज बड़जात्या साहब ने ये जो कहानी लाई है चार मित्रों की जी, बहुत बढ़िया ताना बुना है फिल्म का। गाना भी बहुत कटिको कटिको बहुत फेमस हो रहा है, बहुत व्यूज़ मिल रहे हैं उसको। और सूरज बड़जात्या प्रोडक्शन अपने आप में एक ऊंचाई वाला प्रोडक्शन है। राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म बहुत सालों के बाद आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। सूरज बड़जात्या भी बहुत टाइम के बाद, यस यस, विदाउट सलमान खान ही इज गिविंग अ फिल्म, लेकिन इसमें महानायक हैं अमिताभ जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब सब ओल्ड हो चुके हैं, फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है, चलना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली कहना चाहूँगा कि ये फिल्म चलेगी, आपको लग रहा है कि चलेगी, हाँ ऊँचाई चलेगी। सूरज बड़जात्या का की फिल्मों का सभी को इंतज़ार रहता है, खास करके जो फैमिली वाले हैं, तो ये फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म हो सकती है। और चारों ऊंचाई, हाँ मेरा कहना है जी, और ये चारों घाघ एक्टर है अपने आप में, डैनी बोलो, अनुपम खेर बोलो, या बोमन ईरानी सर बोलो, या अमित जी बोलो, अपने आप में चारों घाघ है, ऊपर से घाघ है अपने सूरज बड़जात्या जी। ओके, और घाघ प्रोडक्शन भी है। टाइमिंग इज वेरी बैड, टाइम्स फॉर बॉलीवुड आर वेरी बैड। तो ये क्या है, चारों ही महानायक हैं, तो वो बोल रहा हूँ, चारों ही बहुत अच्छे सिद्ध अपने एस्टेब्लिश एक्टर्स हैं, और लेकिन इसमें परिणीति चोपड़ा है जी, फ्लॉप एक्ट्रेस। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा चांसेस है इस फिल्म का भी फ्लॉप होना। इसमें ट्रैकिंग के लिए फिर ये बाकी तीन जाते हैं, परिणीति चोपड़ा माइट बी गाइड, ऐसा कुछ दिखा है। ओके, और फिर एंड में क्या होता है, इस तरह यहाँ पे मिक्स रिएक्शन दिखाई दे रहा है। सेकंड को लग रहा है पिक्चर नहीं चलेगी, फर्स्ट फिल्म नहीं चलेगी, चलेगी। मैं आता हूँ 18 तारीख पे, दृश्यम आएगी, दृश्यम अजय देवगन की जी, सीक्वल है पार्ट वन का। हाँ पार्ट वन का केस रीओपन, नहीं पार्ट टू है, केस रीओपन हो रहा है 18 नवंबर को, और उसका ऑलरेडी मतलब कि गूज़बम्प्स है। ओहो, हाँ, और ये डेफिनेटली गोइंग टू बी हिट एंड सुपर हिट दृश्यम। ओपनिंग भी बहुत अच्छी लगी। ओके, और इस बार जो इसमें अक्षय खन्ना है जी, तो डेफिनेटली बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे फिल्म के अंदर। गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं इस बार फिर से दृश्यम टू में, तो वही देखने लायक होगा कि 2 अक्टूबर को वो लोग वापस जाते हैं या नहीं जाते हैं प्रवचन देखने वगैरह। दैट इज वी हैव टू सी नाउ अगेन। आप गलती कर रहे हो, 2 अक्टूबर हो चुका है। हाँ ठीक है, वो तो फर्स्ट में 2 अक्टूबर हो चुका, और उस दिन इंसिडेंट क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मर्डर हुआ नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि केस रीओपन होगा। हाँ, तो उसमें वापस सब बातें आएगी ना। हाँ बातें आएंगी, बट फिर से तो फिर से नहीं दिखाएंगे। बस दृश्यम टू मैंने ऑलरेडी लॉकडाउन में जो साउथ में बनी हुई है वो देखी हुई है, शायद मैंने वो सब टाइटल्स। ओके, माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट है, माइंड ब्लोइंग। हाँ, और फर्स्ट में अगर कॉम्प्लिकेशन था, इसमें तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। एंड में बहुत बड़े झटके मिलने वाले हैं, कैसे कैसे पुलिस को बेवकूफ़ बनाता है ये, कहाँ ये एक कॉमन मैन, चौथी फेल, चौथी फेल, केबल टीवी ऑपरेटर है। तो इस फिल्म में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कैसे सॉल्व, कैसे पुलिस को एक्चुअली कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है वो दिखाया जा रहा है। और ये फिल्म कुमार मंगत पाठक, कुमार साहब की है, उनके बेटे हैं अभिषेक पाठक, उन्होंने डायरेक्ट किए। तो हाँ, या यंग डायरेक्टर है, और अजय देवगन के ग्रुप की फिल्म है ये।
फिल्म अच्छी चलनी चाहिए, अच्छी चलनी चाहिए। हाँ। और दोनों का यहाँ पे सहमति दिखाई दे रही है मेरे को, सहमति है। एक ने बोला है गूस बम पे, एक ने बोला है कि ओपनिंग अच्छी ले सकती है, पिक्चर चल सकती है, चल सकती है। अब मैं आता हूँ वरुण धवन की पिक्चर जो आएगी, भेड़िया, 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 यस यस, 25 का तारीख दिया है। हाँ, नवंबर में ही है, तीसरी फिल्म है नवंबर में, जो बड़ी फिल्म है। ये मैडॉक फिल्म्स की, मैडॉक एंटरटेनमेंट की शायद फिल्म है। दिनेश विजन, दिनेश विजन इज द प्रोड्यूसर, जो स्त्री बनाया था वही अमर कौशिक डायरेक्टर है जी। उससे मैं मिल चुका हूँ जब स्त्री की सक्सेस पार्टी में मैं गया था। ओह, ओके। तो उसके उसके बाद उसने एक फिल्म दी थी कृति सेनन के साथ, मिनी करके, वो मिमी, मिमी लॉकडाउन में आई थी। यस यस, वो मेरे को लगता है OTT पे ही आई थी, चली थी वो OTT पे, कैसा कहा जाता है, डिफरेंट कांसेप्ट, लोगों को अच्छी लगी। ही इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट डायरेक्टर। तो ये फिल्म अच्छी तो बननी चाहिए, पर ट्रेलर के बाद ये फिल्म थोड़ी एवरेज लग रही है। ट्रेलर के बाद एवरेज लग रही है ऐसा कह रहे हैं। हॉरर कॉमेडी है ना, हॉरर कॉमेडी है, जैसे आज फोन बूथ रिलीज हुई है वो भी हॉरर कॉमेडी जी। तो वो जॉनर में अभी नहीं, इसलिए सिगरेट पीते हुए दिखाई दिया हमारे। हाँ, हमारे जिमी भाई ने टेंशन में सिगरेट पी लिया जी। लेकिन मुझे दिनेश विजन और अमर कौशिक के ऊपर भरोसा है। ओके, फिल्म कुछ होगी जबरदस्त की उम्मीद है जी। हमारे सेकंड एक्सपर्ट केनी को आता हूँ फर्स्ट के पास में। जिमी जी, आपको क्या लग रहा है भेड़िया? भेड़िया के लिए वरुण धवन अच्छा परफॉर्म करता है, कुछ फिल्में उसकी अच्छी नहीं गई है पीछे, जो उनके पिताजी के साथ, उन्होंने डेविड धवन के साथ करी थी कुली नंबर वन, कुली नंबर वन। तो क्या वो लोग बोलते हैं, अरे यार ये तो गोविंदा सलमान खान का मिक्सचर है, उस तरह की वो बॉडी लैंग्वेज चलते हैं। अब देखते हैं कि भेड़िया में वो लोग क्या करते हैं, वरुण धवन क्या करते हैं, दैट इज़ वी हैव टू सी नाउ। कि हॉरर कॉमेडी है, अमर कौशिक ने स्त्री सुपर हिट दी है, मिम्बी भी हिट दी है, और दिनेश विजन का उन लोग का जो ग्रुप है वो इस तरह के जॉनर में बहुत माहिर है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो भेड़िया, मतलब ये तीनों फिल्में को अगर मैं बोलूँ तो तीनों फिल्में चलेगी बेसिकली देखा जाए तो। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि फेस्टिवल में जो भी पिक्चरें आती है वो चलती नहीं है, ये हमेशा रहा है। जो भी फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ होती है वो नहीं चलती है। आम दिनों में अगर आप रिलीज़ करते हो, जब कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, कोई छुट्टियाँ नहीं है, तो फिल्में डेफिनेटली ओपनिंग भी अच्छी लेती है, ओपनिंग अच्छी लेती है। हाँ, तो ये तीनों फिल्में चलेगी ऐसा कहना, तीनों फिल्में चलेगी का कहना है। मैंने कहा कि ऊंचाई इतना ऊंचाई नहीं चलेगी, दृश्यम एवरेज जाएगी और भेड़िया भी एवरेज से थोड़ा ऊपर जाएगी। ओके, चलिए ये था प्रेडिक्शन द बेस्ट ऑफ थ्री का, जो आने वाली फिल्में हैं अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज इन नवंबर 2022। भेड़िया हम आप दोनों के पास में द एक्सपर्ट्स जिमी एंड केनी के पास, ऑनेस्ट रिव्यू जानने के लिए फॉर द अपकमिंग फिल्म्स, एंड जो प्रेडिक्शन है वो खरा होता है कि नहीं वो भी देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू।